Hi guys, this is Tamoghna Ghosh from All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. So guys, अभी पिछले काफी दिनों से मेरे और अमन के पास काफी ईमेल्स आए हैं कि भैया हम तो पढ़ रहे हैं, आप जैसे बोले हो हम एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन याद नहीं हो पा रहा है, दो दिन बाद भूल रहे हैं, तो रिटेन नहीं हो रहा है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि हाउ टू लर्न फास्ट एंड रिटेन लॉन्गर, ठीक है? तो आपको मैं मतलब ये सारे टेक्निक्स बताऊंगा ताकि आप जल्दी भी पढ़ लोगे लेकिन आपका याद भी ज़्यादा देर तक रहेगा। तो पहले गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप जो पढ़ रहे हो वो अच्छे से पढ़ो, वो सब कहेगा, लेकिन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, आप जो पढ़ रहे हो उसमें भी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होता है, लर्न टू हाईलाइट दैट। अब कुछ लोग क्या कहेंगे कि आप बुक्स में अंडरलाइन कर लो, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप खुद का नोट्स बनाओ, ठीक है? जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसका आप नोट्स बना लो और उसको रिपीटेड रिविजन कर लो। तो उसमें क्या होगा कि आप कोर्स वर्क को शॉर्टन कर रहे हो, तो आपको आप एक चीज को रिवाइज फास्टर कर सकते हो, तो इसके वजह से यू कैन सेव योर टाइम एंड रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, तो इसके वजह से इट विल बी इनग्रेंड इन योर मेमोरी। आप देखिए, अभी टेक्नोलॉजी का युग है, तो अभी मोबाइल फोन्स है, तो मोबाइल फोन्स डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है, इट कैन बी एडवांटेजियस टू यू, इट कैन हैव न्यूमरस बेनिफिट्स। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम क्या होता है, रिएक्शंस याद नहीं होता है, प्रोडक्ट क्या है पता ही नहीं है, तो क्या करना है, जो रिएक्शन है वो आप एक कॉपी में लिखो, ठीक है? फिर आप वो खुद के वॉइस में वो पढ़ो और मोबाइल पे वो रिकॉर्ड कर लो। फिर आप जब कहीं पे ट्रैवल करो, जैसे आप कोचिंग क्लास जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, तो बस या ट्रेन में जब ट्रैवल करो वो टाइम आप वेस्ट मत करो, तब वो आप ईयरफोन प्लग करके वो अपना वॉइस सुनो। कहते हैं कि अगर आप खुद का वॉइस बार बार सुनोगे तो इट हैज़ अ ग्रेटर इफेक्ट ऑन द मेमोरी, आपका लर्निंग प्रोसेस फास्टर होता है। एक और चीज़ कि मैं आपको नोट्स बनाने क्यों बोला, कि अगर आप कुछ चीज़ खुद से करते हो ना, उसका याद ज़्यादा होता है। वैसे तो अभी टेक्नोलॉजी का युग है, आप किसी टॉपर के पास जाओगे, उसका नोट्स का कॉपी लोगे, फोटो खींच लोगे, बट दैट वोंट डू, क्योंकि अगर आप खुद से नोट्स बनाओगे तो दैट विल रियली हेल्प यू इन मेमोराइजिंग द थिंग्स। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि एक बंदा था, ही वॉज क्वाइट रिच, लेकिन आग के वजह से उसका सारा सब कुछ बर्नड हो गया। वो राजा के पास आया, बोला कि मैं तो अब गरीब हो गया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, तो आप मेरी मदद कीजिए। तो राजा ने उनको क्या बोला, ठीक है तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ऐसा करो कि यहाँ से स्टार्ट करो, शाम तक तुम जितना दूर जा सकते हो चले जाओ, लेकिन तुमको इस पॉइंट के वापस आना पड़ेगा, तो आप जितना दूर गए हो वो सारा ज़मीन तुम्हारा। तो वो बोला हाँ मंजूर है, लेकिन वो शाम तक वो चलते रह गया, वो वापस नहीं आया। तो इस कहानी के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको वापस भी आना पड़ेगा, आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं आप पढ़ते जाओगे। तो रिविजन इज रियली एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर स्टडीज एंड दिस इज द ओनली वे दैट यू कैन अचीव। और एक बात है कि आप रिपीटेड मॉक टेस्ट दो। कहते हैं कि गलतियां करने से ही आप गलती के बारे में आपको एहसास होगा ताकि आप सीख पाओगे। तो आप जो मॉक टेस्ट दोगे, आप एक चैप्टर पढ़ लो, फिर आप एक टाइम फ्रेम में वो मॉक टेस्ट दे दो, फिर आप एसेस करो कि गलतियाँ कहाँ हो रहे हैं और वो गलतियाँ को सुधारो। तो आप एसेस कैसे करोगे, जैसे मॉक टेस्ट आप क्या दे सकते हो, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के दे सकते हो, है ना? उससे आपको पैटर्न पता चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपके इस साल आ रहा है वो कहीं ना कहीं इट विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाई द प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, द पैटर्न, इट वोंट ड्रास्टिकली चेंज, राइट? तो आपको पहले वो पैटर्न में वो देना है और आप उसके बाद उसका सोल्यूशन देखो, जहाँ पे गलती हो रहा है तो वो देख के आपको और वो गलती सुधारो, तो दैट विल हेल्प यू। और एक बड़ी चीज़ है प्रोक्रेस्टिनेशन। हम करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कर नहीं पाते, हम टाइम वेस्ट करते हैं। तो इसका एक वजह है कि आप अपनी वर्क को एंजॉय करो, कि आप इतना एंजॉय करो कि दैट विल बी योर प्रायोरिटी। तो अगर आपकी कोई पेनफुल एक्सपीरियंस हो तो वो आप क्या ज़्यादा देर तक याद रखना चाहते हो, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर आपका कोई हैप्पी एक्सपीरियंस हो, कोई अच्छा एक्सपीरियंस हो, तो आप वो लाइफ लॉन्ग तक अपने पास रखना चाहते हो। तो ऐसे ही आप पढ़ाई को अगर आप एक हैप्पी एक्सपीरियंस करोगे, एक एंजॉयबल एक्सपीरियंस करोगे, तो ये आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा, इट विल बी इम्बाइब्ड इन योर मेमोरी।
मैं यही कहूँगा कि अभी से आप टाइम वेस्ट मत करो, एक फिक्स शेड्यूल बना लो। आप फोन का इस्तेमाल कर सकते हो, तो उसमें क्या है कि कैलेंडर्स है, कैलेंडर्स पे आप एक रूटीन प्लान सेट कर लो और वो प्लान को रिलीजियसली फॉलो करो। तो इन दिस वे ओनली आई एम श्योर दैट यू विल डू वेरी वेल, यू विल इंडीड रिटेन। और मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैंने भी ये मेथड्स किए हैं और मैं सफलता हासिल किया हूँ। तो आप भी कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप भी बिल्कुल कर सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक। आप कॉमेंट्स में ज़रूर बोलना आपको वीडियो कैसा लगा, कोई सजेशन इम्प्रूवमेंट आप बता सकते हो। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।